वी नीड अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी में कंटिन्यूटी होगी तो हमारे आगे चीजें चलेंगी, कंसिस्टेंसी होगी तो हमारे लोग बिजनेस को कर सकेंगे। 3 साल की गवर्नमेंट आई, उसने पॉलिसी बनाई, दूसरी गवर्नमेंट आई 3 साल, 3.5 साल बाद उसने एग्जैक्टली 180 डिग्री पर जाके नई पॉलिसी दे दी। तो बिजनेस जो उसने पहले उसके बेस के ऊपर बनाया था, उसने प्लान किया था, उस पर चलेगा क्या? तो पूरे पाकिस्तान में सबसे मसला ये रहा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी है। हम 75 साल से एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बावजूद भी हम आज गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। 800 अरब रुपए सालाना हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में हम जो है वो जाया करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का उठा के एजेंडा देख लें कि उसमें लिखा होगा प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होती? क्यों नहीं दिलेरी से सारे मिल बैठ के अपोजिशन से भी बंदे लें, गवर्नमेंट के भी बंदे लें, टेक्नोक्रेट्स भी लें, मिल मिला के क्यों नहीं हम इससे जान छुड़वाते? गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है। इस वक्त आपके वतन को आपकी जरूरत है, आइए हर कदम आगे रखिए, पहले अपने आप इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें और ये मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सर, इस चार्टर इकोनॉमी के जरिए आपने ये बावर करवाना है, ये आपने जोर देना है फेडरेशन में के पॉलिटिकल फैसले के बजाय इकोनॉमिकल फैसले इकोनॉमिक बेस पे करें लॉन्ग टर्म में। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि अब हमारा वक्त आ गया कि हम इसमें पूरी तरह से इंटरवीन करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि अब सारी बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठे होने का, इकट्ठे मिलके काम करने का। किस गवर्नमेंट पे यकीन करेंगे? एक गवर्नमेंट आती है, एक काम करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको अगर चेंज कर देगी तो हम तो रोलिंग स्टोन बन गए। हमें अगर लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसीज नहीं मिलेंगी, हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं?